हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे पनीर का सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमने पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, यहाँ पर हमने थोड़ा सा काजू लिया है, थोड़ा सा हमने खसखस लिया है। इन सभी को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम सरसों तेल। सरसों तेल गर्म होने के बाद प्याज को डाल देंगे, लहसुन अदरक डाल करके हम भूनेंगे। यहाँ पर सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च दोनों डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम एक मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे। प्याज को भुनने के बाद इसमें हम जो खसखस लिए थे उसको डाल देंगे, काजू डाल देंगे, प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे, टमाटर को भी एक मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के साथ। अब इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी नमक डाल दिया हमने ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए हमने इस तरह से भून लिया है। गैस को बंद कर लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसे जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पर हमने पीस लिया है। पीसने के बाद हम यहाँ पर पनीर लिया है, पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो ये देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। यहाँ पर हमने एक प्याज काट लिया है, आधा शिमला मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता। यहाँ पर हमने पैन गरम कर लिया है। पैन गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम सरसों तेल। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सरसों तेल को हल्का गर्म होने देंगे। हल्का गर्म होने के बाद इसमें हम पनीर को डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो सभी पनीर को हमने डाल दिया है। इसे उलट पुलट कर दोनों साइड अच्छे से लाल होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए ज़्यादा लाल नहीं करना है। हल्का लाल होने के बाद हम पनीर को निकाल लेंगे। सभी पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डाल करके ढक के रख देंगे। अब यहाँ पर हम पैन में डाल देंगे जीरा। जीरा को जलने देंगे। जलने के बाद डालेंगे इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता। तो सभी को हम जलने देंगे। इन सभी को जलने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे एक मिनट के लिए। अब इसमें हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी साथ में भुनेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को एक मिनट के लिए हम भुनेंगे अच्छे से। तो एक मिनट हो गया है दोनों को भूनते हुए। तब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर। डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जो पीस के मसाले रखे थे उसको डाल देंगे। डाल करके हम अच्छे से भुनेंगे। लो फ्लेम पर हम अच्छे से मसाले को भुनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे धो करके। पानी डालने के बाद लो या मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे मसाले को अच्छे से। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और एक बड़ी चम्मच हम डालेंगे पनीर मसाला। डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और अच्छे से भुनेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसमें हम दो चम्मच मलाई वाला दूध डालेंगे। डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ।
लगातार चलाते हुए हमने मसाले को 5 से 6 मिनट तक भुनना है मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से मसाले हमारा भुना चुका है, अब इसमें हम पनीर को डालेंगे। तो पनीर को हमने पानी डाल करके रखा था, तो पानी साथ में ही हमने डाल दिया है, पानी और पनीर दोनों को डाल दिया हमने, और डाल करके हम उबाल आने तक पकने देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी गरम मसाला डाल देंगे, तो आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारे पनीर में जो है उबाल आ गया है, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। उबाल आने के बाद हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट तक पकने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे। गैस को बंद करने के बाद इसमें हम तड़का लगा देंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर कलछी लिया है, इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ी सी सरसों के दाने डालेंगे। इसे हम गर्म होने देंगे, फिर इसे हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च 2, आधी छोटी चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हम कढ़ी पत्ता डाल देंगे। इन सभी को जलने के बाद ऊपर से हम तड़का लगा देंगे पनीर में। यहाँ पर हम दूध और मलाई को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर क्रीम बना लिया है, तो 2 चम्मच हम डाल देंगे ऊपर से। तो हमारा पनीर का रेसिपी कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें।